ओवंटिका से पैकेट आ चुका है, आप लोग देख सकते हो पैकेट कुछ इस तरह का है और इसमें है आप ही लोगों का मोस्ट रिक्वेस्टेड एक स्मार्टफोन जो कि आज हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे। साथ ही साथ देखने वाले हैं कि प्रोडक्ट का हमें क्वालिटी कैसा देखने को मिलता है और इस प्रोडक्ट के लिए मुझे काफ़ी सारे लोगों ने इंस्टाग्राम पे DM भी किया था, साथ ही साथ YouTube में भी कमेंट भरा हुआ था कि आप इस फ़ोन का अनबॉक्सिंग करो फ्रॉम ओवंटिका। तो आपके रिक्वेस्ट पे फ़ोन ऑलरेडी आ चुका है, फ़ोन को अनबॉक्सिंग करने में हम लोग ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, तो चलिए फटाफट बॉक्स को खोलते हैं। बॉक्स को खोलने से ही हमें और एक बॉक्स मिल जाता है। ओवंटिका का स्पेशल बॉक्स देखने में कुछ इस तरह से आपको लगेगा, अनबॉक्स लाइक न्यू ओवंटिका और अप टू 1 ईयर आपको वारंटी मिल जाएगा, अनबॉक्स प्रोडक्ट है। तो चलिए इसको भी हम लोग खोल लेते हैं। तो बॉक्स को मैंने निकाल दिया, निकालने के बाद यहाँ पे प्रोडक्ट आप लोग देख सकते हो, आपको अंदाजा हो चुका है ये कौन सा प्रोडक्ट है। साइड में रखते हैं प्रोडक्ट को, देखते हैं अंदर हमें और क्या कुछ मिल जाता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमें मिल जाता है एक लाइटनिंग कनेक्टर और यहाँ पे 5 वाट का चार्जर, इसको साइड में रखते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आपको वारंटी इन्फॉर्मेशन मिल जाता है और आपको सिम इजेक्टर टूल भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो फोन ऑलरेडी एक प्लास्टिक के साथ आया हुआ है, चलिए प्लास्टिक को निकालते हैं। आपको पता है कि ये कौन सा फोन है, तो आप लोग देख सकते हो किस तरह से ये प्लास्टिक को अगर हटाएंगे तो वो दिखने में लगेगा। अब प्रोडक्ट का आप लोग क्वालिटी देख सकते हो, वाओ, एकदम यहाँ पे नया जैसा आप लोग कह सकते हो प्रोडक्ट का क्वालिटी है। कहीं पे भी यहाँ पे कोई भी स्क्रैच वगैरह आपको देखने को नहीं मिल रहा है। बैक साइड आप लोग देखो, कहीं भी यहाँ पे कोई भी स्क्रैच नहीं है। तो जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया रहता है कि अनबॉक्स प्रोडक्ट है, लाइक न्यू प्रोडक्ट है, वैसे ही आपको क्वालिटी देखने को मिलता है। फ्रेम आप देखो, कंप्लीटली फ्रेम में यहाँ पे कहीं भी कोई भी एक छोटा सा भी स्क्रैच डेंट वगैरह देखने को नहीं मिलता है। अगर आप लोग यहाँ पे लाइटनिंग पोर्ट के जगह पे देखोगे तब भी आपको दिखने में लगेगा कि यहाँ पे एज सच कोई भी स्क्रैच वगैरह तो आपको देखने को नहीं मिल रहा है। इनफैक्ट यहाँ पे जो दो स्क्रू है वो भी आप लोग देख सकते हो अनटच कंडीशन में है। दैट्स मीन यहाँ पे हम लोग ये एजम्पशन ले सकते हैं कि इस फोन को कभी भी रिपेयर नहीं किया गया है। बाकी हम लोग चलिए फोन को फटाफट स्विच ऑन कर लेते हैं। वीडियो को आप लोग लाइक कर देना, लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आप ही लोगों का सपोर्ट की वजह से हम लोग डिफरेंट प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग कर पाते हैं। तो यहाँ पे एक बार हम लोग वायरलेस चार्जिंग को भी टेस्ट कर लेंगे, बिकॉज आईफोन 11 में आपको वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट मिल जाता है। तो यहाँ पे हम लोग डाल देंगे, देखते हैं कि चार्ज, तो आप लोग देख सकते हो वायरलेस चार्जिंग फीचर भी इसमें अच्छी तरह से काम कर रहा है, क्योंकि सेकेंड हैंड फोन में जनरली आपको हर एक चीज चेक करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे और यहाँ पे लॉक की आप लोग देख रहे हो काम कर रहा है। फेस आईडी मैंने ऑलरेडी सेटअप कर लिया है, तो फेस आईडी भी आप लोग देख सकते हो काफी जो है वो स्पीड काम कर रहा है, फेस आईडी भी यहाँ पे स्लो नहीं है। बटन्स की बात करें तो प्लस बटन, माइनस बटन, यहाँ पे साइलेंट की, हर एक चीज यहाँ पे प्रॉपरली जो है वो वर्क कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेंगे इसके डिस्प्ले के ऊपर, तो यहाँ पे आ जाएंगे, नोटिफिकेशन पैनल को खींच लेंगे, यहाँ से जाके टैप करके रखेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डार्क मोड, नाइट शिफ्ट मोड, टू टोन मोड यहाँ पे है सारा चीज, और यहाँ पे टू टोन मोड में डिस्प्ले का जो कलर है वो बदल जाता है अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट। तो जिस एनवायरमेंट में आप हो उसके अकॉर्डिंग जो है ब्राइटनेस चेंज हो जाता है और डिस्प्ले उसी अकॉर्डिंग लगता है। बाकी में आप यहाँ पे डिस्प्ले का क्वालिटी देख सकते हो, काफ़ी यहाँ पे आपको अच्छा डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। हालांकि LCD डिस्प्ले है, लेकिन फिर भी आपको इस डिस्प्ले के साथ कोई भी शिकायत नहीं होगा। ब्लैक यहाँ पे अच्छे से ब्लैक होता है और यहाँ पे डिस्प्ले बाकी जगह पे भी आप लोग देख सकते हो। तो LCD डिस्प्ले के साथ अगर इसको कंपेरिजन किया जाए तो ये वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले कहलाएगा। बाकी यहाँ पर आप लोग देख लेना और मुझे कॉमेंट करके बताना कि इसका डिस्प्ले आपको कैसा लगा। अगर हम लोग इसकी साउंड क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर मिल जाता है, डॉल्बी एटम्स भी सपोर्ट करता है। मैं एक बार आपको प्ले करके थोड़ा सा दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक बार हम लोग फटाफट बैटरी हेल्थ टेस्ट कर लेंगे कि हमें बैटरी हेल्थ कितना मिलता है। तो यहाँ से जाएंगे बैटरी हेल्थ, आप लोग देख सकते हो 88% बैटरी हेल्थ है, और 88% बैटरी हेल्थ जो है वो खराब नहीं होगा, क्योंकि इससे ये तो पता चल रहा है कि इसका जो बैटरी है वो ओरिजिनल है। बाकी ये भी बैटरी हम लोग चेक करेंगे कि कितना बैकअप दे रहा है, क्योंकि बहुत लोग 2023 में आईफोन 11 को एज ए सेकेंड हैंड फोन कंसिडर करना चाह रहा है, तो इसलिए इसका भी बैटरी को हम लोग बहुत ही अच्छे से चेक करेंगे कि किस तरह से हमें बैटरी बैकअप मिल रहा है। वो सारा वीडियो आप लोगों को अपकमिंग वीडियो में देखने को मिल जाएगा। कैमरा क्वालिटी
की अगर मैं बात करूं तो कैमरा क्वालिटी भी इस फोन में जो है वो आपको जबरदस्त देखने को मिल सकता है। आप लोग यहां पे देख सकते हो, मैं एक दो फोटो क्लिक करके आप लोगों को क्विकली दिखा देता हूं। यहां पे मैंने फोटो क्लिक कर लिया, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कलर वगैरह जो है वो फोन में बहुत ही अच्छे से पिक कर लेता है। सो कुछ इस तरह से इस फोन का कैमरा का वीडियो क्वालिटी आपको देखने को मिलेगा फ्रंट कैमरा से। तो अगर आप ब्लॉगिंग पर्पस के लिए इसको यूज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे आइडिया लग जाएगा कि आपको कितना फील्ड ऑफ व्यू इसमें मिलेगा। और क्योंकि मैं फोन अपने हाथ में पकड़ा हूं और कोई भी एक्सटर्नल माइक का यूज नहीं हो रहा है और मैं घर के अंदर हूं, इससे आप लोगों का आइडिया लग जाएगा कि इससे आपको साउंड क्वालिटी कैसा देखने को मिलेगा। तो जो लोग बहुत सारे लोग अभी इंटरेस्टेड होंगे ब्लॉगिंग करने में तो वो लोग देख सकते हो कि किस तरह से आपका जो ब्लॉगिंग है वो काम करेगा अगर आप आईफोन 11 ले लेते हो उस केस में। बैक कैमरा की अगर हम लोग बात करें तो कुछ इस तरह से आपको वीडियो क्वालिटी देखने को मिलेगा, जो चीज आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और अगर हम लोग एकदम क्लोज में भी आ जाएंगे तब भी यहाँ पे फोकसिंग जो है वो बहुत ही अच्छे से कर पा रहा है। तो मेरे हिसाब से 30,000 बजट में ये जो कैमरा आपको प्रोवाइड करता है वो बाकी में काफ़ी अच्छा चीज़ प्रोवाइड करता है, जो कि आप लोग इसमें देख सकते हो। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताना क्या आप इस फोन का एक डिटेल्स में कैमरा रिव्यू देखना पसंद करोगे ब्लॉगिंग पर्पस के लिए, या तो जो लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं उन लोगों के लिए अगर कुछ चाहिए तो आप लोग डेफिनेटली कमेंट करके बताना। अब हम लोग इस फोन को करेंगे 3U टूल से चेक और 3U टूल्स में हमें दूध का दूध पानी का पानी पता चल जाएगा कि एक्चुअल में इस फोन में कोई भी पार्ट्स वगैरह जो है वो चेंज किया गया है, ये सारे की सारी चीज जो है वो एकदम हमें अनबॉक्स कंडीशन में मिलता है। तो चलिए हम लोग 3U टूल्स में फोन को कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैं अपने डेटा केबल को कनेक्ट करके रखा हूँ लैपटॉप के साथ, और जल्दी जल्दी से इस फोन के साथ जो कि आईफोन 11 है इसको भी कनेक्ट कर लेते हैं इसके साथ, और देखते हैं कि यहाँ पे रिजल्ट जो है वो हमें किस तरह का देखने को मिल सकता है और इसमें कोई भी पार्ट्स वगैरह चेंजेस है कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने डेटा केबल से इसको कनेक्ट कर लिया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो नीचे पॉपअप आ चुका है। अब डायरेक्टली हम लोग ज़्यादा देर ना करते हुए 3U टूल्स को ओपन कर लेंगे, बिकॉज 3U टूल्स में यहाँ पे 99.99% जो है वो सारा कुछ सही दिखा देता है। तो एज यू कैन सी हमने 3U टूल सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया है, अब ये फोन को डिटेक्ट कर रहा है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आईफोन 11 64GB डिटेक्ट कर लिया है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया इसका जो सेल्स रीजन है वो यहाँ पे USA है। और उसके बाद अगर हम लोग बाकी चीज़ों के बारे में बात करें, बैटरी अगर चार्जिंग टाइम्स की बात करें तो 474 है और यहाँ पे बैटरी लाइफ 87% शो कर रहा है, जबकि फोन में यहाँ पे बैटरी लाइफ जो है वो 88% शो कर रहा है। तो अगर मैं इस फोन को लेटेस्ट अपडेट में अपडेट कर देता हूँ तो डेफिनेटली इसका भी बैटरी जो है वो 87% हो जाएगा। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर फोन अपडेट नहीं होता है तो बैटरी हेल्थ बहुत टाइम क्या होता है ज्यादा दिखाता है, लेकिन अगर आप अपडेट कर दोगे तो उसका जो एक्चुअल बैटरी लाइफ होगा वो आपको दिखा देगा। सो यहाँ पे जाने के बाद हम लोग व्यू वेरिफिकेशन रिपोर्ट को क्लिक करेंगे, बाकी यहाँ पे आप लोग सारा चीज जो है वो देख सकते हो। सारा चीज इसमें नॉर्मल शो कर रहा है, फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा, मेन बोर्ड, सीरियल नंबर, हर एक चीज यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे जो सेल्स मॉडल है यहाँ पे मुझे एप्पल रिप्लेस डिवाइस दिखा रहा है, तो दैट्स मीन ये हो सकता है कि ये प्रोडक्ट में कुछ दिक्कत आया था और उसके बाद जो है वो एप्पल यहाँ पे इस फोन को रिप्लेस किया है। लेकिन उससे अच्छी बात यही है कि हमें जो है प्रोडक्ट और अच्छा मिल रहा है क्योंकि ये एप्पल रिप्लेस डिवाइस है। तो हो सकता है ये चीज, इसके बारे में मेरे पास उतना इन्फॉर्मेशन नहीं है, बाकी अगर आपको इसके बारे में कुछ भी पता है तो कमेंट करके बता देना ताकि मुझे भी पता चले और बाकी जितने भी यहाँ पे मेरा व्यूअर है उनको भी पता चले। और यहाँ पे टेस्टिंग स्कोर की बात करें अगर हम लोग, तो टेस्टिंग स्कोर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 98 शो कर रहा है, जो कि मेरे हिसाब से एक परफेक्ट स्कोर है किसी भी सेकेंड हैंड डिवाइस में। सो ये था कंप्लीट वीडियो, आई होप मैंने सारा चीज जो है वो इसी वीडियो में मेंशन कर दिया है। फिर भी अगर कुछ भी चीज छूट गया है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो।